नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहां पर जो ये ए बी सी डी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड जो डायगोनल बी डी है, जो बी डी डायगोनल है आपका, वो एंगल बी एंड डी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसे नाम दे दें हम एंगल वन, एंगल टू के, और एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, एंगल फोर के इक्वल होगा। नाउ वो कह रहा है कि ए बी डी को सी बी डी के सिमिलर प्रूव कर दीजिए और ए बी को बी सी के इक्वल दिखाना है। तो हम लेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल सी बी डी, ए बी डी सी बी डी। तो जरा देखिए, आप बोल देंगे कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। तो यहां पर दो एंगल इक्वल हो गए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहां पर आप कह देंगे कि ट्रेंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रेंगल सी बी डी। आप इसे अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इसके इक्वल है, प्लस ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी डी बी इसके इक्वल है, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये सिमिलर हो गए। अब इन दोनों साइड्स को यदि हमें इक्वल दिखाना है तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ये दो एंगल्स तो इक्वल ही हैं, सेकंड वाले पार्ट को कर रहे हैं हम, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल सी बी डी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये तो दोनों में है तो इक्वल होगी, एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। सो बाई ए एस ए दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है। सो यहां पे हम कह देंगे बाई ए एस ए ट्रेंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी बी डी। ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो ए बी है वो सी बी के इक्वल होगा, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये आपके इक्वल हो गए, दोनों ही प्रूव हो गए। हमें पहले सिमिलर प्रूव करना था, आफ्टर दैट फिर हमने उसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करा, तो ये साइड्स भी इक्वल आ गई।